अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। सेकंड जो हमारा प्लेस है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। और पहले हम लोगों ने सोचा कि मोहनजोदड़ो के पार्क में हम लोग चलते हैं, वहाँ पे बच्चों को झूले वगैरह दिलवाते हैं और वहाँ पे जो कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री की तरफ। हमारे साथ रहिएगा, साथ साथ चलते हैं। यहाँ से हम लोग जा रहे थे, बाकी सब लोग जो है वो चले गए हैं, मैं और आप ही जो है वो पीछे थे। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग को थोड़ा सा जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड करती चलती हूँ। यहाँ पर ये देखिए सब लोग आ गए हैं और सब लोग जो है वो झूलों पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी जो है वो अच्छा था, काफ़ी मतलब कि वैसे जो विंटर में जो बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, समर में इतना नहीं होता क्योंकि समर में जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। लेकिन हम लोग आए थे शाम में तो बहुत अच्छा था और खाली खाली था, मतलब कि कोई नहीं था, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फ्री होके जहाँ दिल कर रहा था जा रहे थे। और यहाँ पे मेरी भांजियाँ भी झूले रही है, ये मेरी मम्मा अपने बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है झूले दिलवा रही है। ये हमजा, नोमान और हसनैन बैठे हुए हैं, मेरी मम्मा इनको झूला दे रही है। और जो है यहाँ पे कश्यप और कहफ मेरी भांजियाँ जो हैं वो भी झूला ले रही हैं। काफ़ी जो है वो अच्छा लग रहा था, मैंने भी झूला लिया था। और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है, मेरी सिस्टर झूला ले रही हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है हाशिर, वो भी चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो है बच्चों के लिए भी काफ़ी जो है वो अच्छा है। और जो है आप लोग मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री भी देख लेते हो और बच्चे भी यहाँ पे इंजॉय कर लेते। और जो है यहाँ के पे जो है गोलगप्पे थे, इतने मज़े के थे ना, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। यहाँ पे ये देखे मेरी मम्मा भी झूला ले रही है। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपनी फैमिली के साथ आते हो तो वह इंजॉय करते हो तो बहुत मज़ा आता है। ये जो है ये मेमोरीज होती है जो आपको हमेशा याद आती है। तो ऐसे जो है वो अपनी फैमिली के साथ जाया करें, इंजॉय किया करें, हमेशा जो है वो याद रहेगा आपको। काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं आती हूँ तो ज़रूर जाती हूँ, मेरे बगैर ये लोग जाते भी नहीं हैं। और यहाँ पर ये देखें सब काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। फिर सब ने जो है वो लेस वगैरह, यहाँ पे लेस वगैरह मिल रही थी और कुछ ज़्यादा नहीं था, गोलगप्पे थे, चिप्स वगैरह थी, लेस थी जैसे कुरकुरे वगैरह ये वो थी, और जो है वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। अभी हम लोग चलते हैं मोहनजोदड़ो की हिस्ट्री की तरफ। मोहनजोदड़ो सिंध का पुराना और कदीम सिटी है। ये लाड़काना में वाक़ है। मोहनजोदड़ो को तबाह हुए 5000 साल हुए हैं। यहाँ पे जो है काफ़ी दुनिया से काफ़ी लोग जो हैं वो आते हैं देखने। आज हम लोग भी आए हैं, मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर। यहाँ पे मैं जो है वो थर्ड टाइम अभी आई हूँ। वैसे जो है फर्स्ट टाइम मैं आई थी जब मैं छोटी थी, तब आई थी अपनी अम्मी के साथ स्कूल टूर पर आई थी। मेरी अम्मी वालों के स्कूल का टूर था तो मेरी अम्मी जो है वहाँ पर टीचर थी तो मैं अपनी अम्मी के साथ आई थी। और जो है सेकेंड टाइम मैं आई थिंक 2 ईयर्स पहले आई थी और वो जो है मैं विंटर में आई थी। फर्स्ट टाइम भी मैं विंटर में आई थी, सेकेंड टाइम भी मैं आई थी। अभी थर्ड टाइम जो है मैं आई हूँ वो समर में आई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन फिर भी हम लोग शाम के टाइम आए हैं तो मौसम काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। तो अभी देखें, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, मैं आपको बताती जाऊँगी। और यहाँ पे मैं जो है मैं और मेरी सिस्टर जो है वो ऊपर की तरफ सीढ़ियों से जा रहे हैं, मेरी मामा और मेरी दूसरी सिस्टर जो है वो नीचे वाली साइड की तरफ जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि साथ कैसे पहुँचते हैं, वो वहाँ से जाएंगे, हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो अभी हम लोग जो है वो जाएंगे यहाँ से सीढ़ियों से। सर जान मार्शल ने यहाँ की खुदाई करवाई थी 1922 में। इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये जो लोग जो हैं वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से इनका रहन सहन था, इनकी रूटीन वगैरह थी, किस तरह से इनके घर बने हुए थे, कौन सी चीज़ें ये यूज़ करते थे, तो हमें यहाँ से ही पता चलता है। तो अभी हम लोग जो है वो ऊपर आ गए हैं। अभी यहाँ पे जो है सब पिक्स वगैरह ले रहे हैं, मेरा भाई उमेर, मेरा भांजा आज़ान, मेरी सिस्टर्स वगैरह सारी जो हैं सब तस्वीरें लेने में लगे हुए हैं।
और मेरी अम्मी वाले दूसरी साइड पे गए हुए हैं। अभी हमें भी जहाँ यहाँ से हम भी वहाँ पहुँचेंगे। तो ये देखें सूरज कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी बस जो है शाम हो गई है तकरीबन, तो बस अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, फिर हम लोग जो है वह हम जाएँगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी ये लोग किस तरह से रहते थे। ये देखें छोटे छोटे इनके घर होते थे। अब ये जो है पहले थोड़ा सा चेंज था, अभी थोड़ा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश है सैलाब वगैरह आए थे तो ख़राब हो गए, तो इस वजह से थोड़ा सा इनको चेंज किया गया है, बाकी जो है वो सारा सेम है। तो मैं आपको बताऊंगी भी साथ साथ कि किस तरह से जो है किस तरह से रहते थे और कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। मेरे साथ रहिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहले आप तक पहुंच जाए। ये देखें कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़ा आया हमें तो। आई थिंक आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ये देखें एक बहुत बड़ा पॉन्ड, और पहले जो है वो इस तरह से जो है पॉन्ड होते थे और वहाँ पर जो है लोग कपड़े धोने और नहाने आया करते थे। तो ये देखें इस तरह से इनकी भी जो है वो लाइफ थी, और पहले तो इस तरह से ही होता था कि घर यहाँ अभी जो है वो घर घर में पानी है, इस तरह से सिस्टम है, तो पहले इस तरह से नहीं होता था। तो पहले जो है वो इस तरह से होता था और सब लोग जो है सब औरतें जो है वो मिलके आया करती थी, कपड़े वगैरह धोती थी। तो इन चीज़ों से ही हमें पता चलता है कि पहले जो की जो ज़िंदगी थी वो किस तरह से होती थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा आगे भी चलते हैं। ये यहाँ पे ये देखें एक बहुत बड़ा वेल था, और यहाँ पे जो है पीने का पानी और जो है खाना बनाने का पानी जो है औरतें भरने आया करती थी मटके लेके, जैसे हम लोग देखते हैं ना मूवी वगैरह में, कुछ इस तरह गांव टाइप की मूवी होती है तो उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से जो है औरतें मिलके पानी भरने जाया करती। तो सेम बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी अगर हम लोग कुछ गांव में जाएंगे तो उस तरह उनमें अभी भी इस तरह का ही है। और ये देखें यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको साथ साथ दिखाती भी चलती हूँ। काफ़ी अच्छा लगा हमें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग आते हो ना, काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ना गांव वाली ज़िंदगी भी होती है, तो हमें पता चलता है किस तरह से लोग रहते थे, क्या होता था क्या नहीं होता था। तो हमें जो है हम भी बचपन में जो अपने नानों के घर जाया करते थे, तो हमारी नानों का घर भी गाँव में होता था, तो थोड़ी थोड़ी हमें वहाँ से भी जो है मतलब कि वो भी फीलिंग आ जाती है, वो भी याद आ जाता है। तो ये देखें किस तरह से है, अभी देखें बिल्कुल शाम होने वाली, और ये था यहाँ पे वॉशरूम। तो ये देखें पहले इस तरह से जो है वो वॉशरूम होया करते थे, तो सब लोगों को देखना था कि किस तरह से होते थे पहले वॉशरूम। तो जी बिल्कुल सेम ऐसे ही होते थे। ये देखें शावर लेने की जगह, तो पानी जो है वो पानी वगैरह भर के आया करते, तो यहाँ पे आप लोग मतलब कि यहाँ पे जो है ये लोग नहाया करते थे। तो ये देखें बस यही था, और फिर छोटे छोटे से हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग जो है आगे जाने लगे हैं। तो यहाँ पे एक आए थे, एक बड़ी शॉप थी, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वगैरह मिल रही थी। ये छोटे से हाउस बने हुए थे, और ये जो है मिट्टी के बर्तन वगैरह बने हुए थे छोटे छोटे से बच्चों के लिए, और ये जगह ये जगह बैलगाड़ियाँ वगैरह थी और फ्रेम वगैरह थे, तो ये सब कुछ था यहाँ पे मिल रहे थे, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मिल रही थी। तो ये देखें ये जो है ये कितनी प्यारी लग रही है, पहले जो इस तरह से होते थे, इस तरह से जो है वो पहियों वाली होती थी तो यहाँ पे लोग बैठा करते थे। अभी जो है जाहिर सी बात है अभी जो हर चीज़ चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है पुरानी चीज़ें देखते हैं तो काफ़ी हमें अच्छी लगती हैं। तो ये अव्वल मैम के देखें नखरे, और अभी हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे मुझे ना कुछ पानी की आवाज़ आ रही है, तो मैंने सोचा यहाँ मैं देख लूँ कि पानी कहाँ से आ रहा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये ज़रा ये जो है ये फूलों वगैरह को जो है पानी इन्होंने दिया हुआ है तो इनको आ रहा था। तो ये देखें फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है, मुझे यकीन माने मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो आप लोग भी यहाँ लाजमी आएँ, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी।
और चले चलते हैं। ये भी मैं आपको रेड वाला फ्लावर भी दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो है बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा था। और मेरी मम्मा मेरे साथ चल रही थी और बाकी सब आगे निकल गए थे। मेरी मम्मा मेरे साथ आ रही थी, वो मुझे बता रही थी कि यहाँ से जो है रिकॉर्ड करो, अच्छा आएगा, ये देखो यहाँ से देखो। तो मम्मा काफ़ी जो है वो हेल्प करती है, थैंक यू सो मच मम्मा। तो यहाँ भी हम लोग देखें, ये देखें, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। ये लाड़काना की साइड है और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कराची के पार्क वगैरह होते हैं, तो सेम वैसे ही लग रहे हैं। काफ़ी अच्छा है लाड़काना सिटी, तो बहुत अच्छा है, मतलब सफाई यहाँ बहुत अच्छी है, तो काफ़ी अच्छा है लाड़काना सिटी जो है वो आजकल तरक्की में है। और ये देखें सब कितना आगे निकल गए, मेरा ही वेट कर रहे हैं कि नाया आ जाए क्योंकि मैं पीछे हूँ। तो बस ये सब काफ़ी आगे निकल गए हैं। विंटर में ये होता है कि ना, विंटर में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुला हुआ है तो विंटर में ये होता है कि धूप होती है और फिर सब लोग होते हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन समर में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। विंटर में ये होता है कि विंटर में आपको हर वैरायटी मिल जाती है खाने पीने की, ये वो, तो विंटर में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं ना, तो समर में इतने लोग आते नहीं हैं गर्मी की वजह से। लेकिन हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि रश नहीं था तो ज़्यादा लोग नहीं थे, तो हमें अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये देखें पुराने ज़माने में, अभी क्योंकि अभी भी गाँव में इस तरह से होता है, ये होते हैं नलका इनको कहते हैं, तो ये वो होता है पानी के लिए। तो अभी मेरी भांजी जो है वो फेस वॉश कर रही थी और तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना आप चलाओ तो मैं भी देख लेती हूँ और साथ साथ जो है वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये देखें इस तरह से चलाते हैं। और फिर हम लोग आए थे यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री का जो है वो बना हुआ था कि ये था वो था, तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों को भी दिखाना है कि क्या क्या था, क्या क्या मैंने देखा, कहाँ कहाँ गई, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। तो बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आपको पता है कि मेहनत के सिवा कोई भी काम नहीं होता। तो बस ये भी था लास्ट में। और ये सर जॉन मार्शल की गाड़ी है जो आज अभी भी यहाँ वहाँ पे मौजूद है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।